अति रमणीक विशालिएक कंचनपुर शुभ धाम ताके श्री महाराज का कोई सत्यपाल था नाम। देखिए भाग्य का चमत्कार, कंचनपुरी नगरी में एक राजा सत्यपाल राज करते थे। विजयपाल जयपाल भूप के लाल के दोनों प्यारे, माता सुरपुर को गई है रे के छोड़ने न के तारे। राजा सत्यपाल की पत्नी विजयपाल और जयपाल अपने दोनों बच्चों को छोटा छोटा छोड़ करके स्वर्ग को चली गई। अरे नैन के तारे, नैन के तारे लला दुबारे, माता सुरपुर को रम गई रे के छोड़ नैन के तारे। और बड़े चतुर गुण बान सुनो तो ध्यान, नेत्र उजियारे वंश उजियारे। और दोनों भैया जवान रे के लेकिन है वो कुआरे। ए विपत भावई सब पे पर गई, मर्दो सुन ले अर्ज हमार। आज विपदा परियई शिव शंकर पे जब भतमा सुर परो पिठारे। मेरी धीरे धीरे कथा याद आंगे को बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा मित्र आंगे को बढ़ रही है। आंगे को बढ़ रही है रे यार, आंगे को बढ़ रही है मेरी धीरे धीरे कथा के भैया। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आज ये राजा के दोनों कुमार हैं विजयपाल और जयपाल, ये जब जवान हो गए लेकिन अभी शादी नहीं हुई। तो एक दिन का जिक्र है कि महाराज ने अपने दोनों पुत्रों को दरबार में बुलाया और महाराज ये कहने लगे कि पुत्रों हमें एक बात बताओ। जवाब दिया, पूछिए कौन सी बात। बात एक पूछूं मैं तुमको ये मेरे नूरे नजर, कि किसके भाग से खाते हो तुम और किसके भाग से आराम सुख पाते हो तुम। तो विजयपाल कहने लगा कि आपके ही भाग से आराम सब पाते हम, बस पिताजी आपके ही भाग का खाते हम। ये शकुन सुनने पति मन में हो गए बेहद मगन, बाद में छोटे लला से इत्तोर से बोले वचन। विजयपाल ने कहा पिताजी मैं तो आपके भाग से खाता हूं, आपके भाग से ऐसो आराम करता हूं। बड़े प्रसन्न हुए सत्यपाल और छोटे बेटा जयपाल से बोले कि मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम किसके भाग्य का खाते हो। तुम्हारे बड़े भाई ने तो बहुत सुंदर उत्तर दिया। जयपाल कहने लगा पिताजी झूठा भगवान को प्यारा नहीं होता, मैं सत्य कहूं। सत्यपाल बोले सत्य कहो पुत्र। पिताजी सत्य कहो तो झूठा भगवान को प्यारा नहीं है, तुम्हारा भाग्य कोई चीज नहीं है। भक्तों इतने जो वचन सुने हैं तो एकदम से क्रोध में आग बबूला हो गया, कहने लगा जयपाल सोच समझ के जवाब दे, तुझे मैं बर्बाद कर दूंगा। कहने लगे हम बर्बादी में भी खुश होंगे, अगर मेरे भाग्य में बर्बादी लिखी है तो तुम्हारा भाग्य हमें आबाद नहीं कर सकता। दोस्तों सत्यपाल अपने छोटे बेटा पर जल गए और बड़े बेटा की शादी बहुत सुंदर लड़की के साथ में की। और ऐसा ही नहीं, अरे बड़े कुमार को ब्याह बड़ो तसाओ खुशी है भारी, बाकी दुल्हन बन के आई आई पंचो राजऊ अरे कुमारी। बड़े पुत्र विजयपाल की दुल्हन बन के राजकुमारी आई जो बहुत सुंदर है आंगन में, जयपाल की भाभी। और राजा ने लई खान के बेई मान जग करू भिकारी, और दूत लय बुलबाई रे के गिरा तो भूप उतारी। बेड़े
आज दूतों से कहा कि तुम जाओ। मेरे बड़े बेटा की शादी तो राजकुमारी के साथ हुई है, लेकिन मेरे छोटे बेटा के लिए कह तो कोई लड़की बिल्कुल पैरों से अपाहिज हो या आंखों से अंधी उसे ढूंढ के लाओ। दूत चले हैं, दो चार दिन चक्कर काटते काटते एक नगर में पहुंचे हैं दोस्तों, तो वहां एक भिखारिन लड़की आंखों से अंधी ठोकरें खाती हुई भीख मांग रही है। उन दूतों ने उस लड़की को पकड़ लिया। लेके लड़की को चल दीने, देखो खेला जी बेकीने, अब राजा पर जाकर चीने, बोले देख 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 राजा, देख 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 लड़की आई, देख देख अंधी आई, देख देख मेरे, देखिए महाराज ये आंखों से अंधी है। जब इतने वचन सुने हैं तो लड़की पर निगाह डाली और दोस्तों उसी समय अपने छोटे बेटा जयपाल को बुलाया, कहा कि अरे अब भी मान जा और अपनी हट को छोड़ के कह दे कि पिताजी तेरे भाग से खाते हैं। जयपाल कहने लगा झूठ नहीं बोलूंगा, तो सत्यपाल कहने लगा तो सुन, तो ये लड़की अब तेरी दुल्हन है, इसी का हाथ पकड़ मेरे सामने और इसी वक्त निकल जा मेरे घर से, राज में कहीं मुंह मत दिखाना, विदेश में जाकर भीख मांग के संधि के साथ अपने समय को बिताना। कहने लगे पिताजी जो आज्ञा कहकर हाथ उरे अंधी को हाथ में लियो, जयपाल तो ले प्राणन प्यारी को गबन हाई कर दियो, महाराज शहर के बाहर आओ है और कुछ मंजिल करके तो प्रथ के नीचे लुधाओ है। मेरे भैया रे अंधी दुल्हन जाके साथ में, सैया दुल्हन ते तो बतराय, मेरे भैया रे आकर के शहर के बाहर चलते चलते जब 10-20 कोस निकल आए अंधी को लेकर, तो वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहने लगे हे प्रिय आप रो क्यों रहे हैं। एकदम से जवाब दिया प्राणेश्वर आप जैसे राजकुमार ने हमारी जैसी अंधी का हाथ पकड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, मैं भरा आपको क्या आराम दे सकती हूं। तो जयपाल कहने लगा गोरी तुम मेरी हो चुकी हो, अंतिम श्वास तक तुम्हारा हाथ मैंने थामा है, इसे छोड़ूंगा नहीं। जवाब दिया मैं आपकी सेवा भी तो नहीं कर पाऊंगी। जयपाल कहने लगा तुम मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम मेरी धर्म की पत्नी हो, चिंता मत करिए मेरी आंखें तुम्हारी आंखें मेरे दोस्तों। ये देख करके आज वो अंधन कहने लगी प्रभु आप हमें रानी कह रहे हैं, मैं तो मेहतरानी से गिरी हुई हूं क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती। जयपाल कहने लगा सेवा की हमें जरूरत भी नहीं। ये कहकर प्रिय को साथ ले चला गया जयपाल और भीख मांगने के लिए मिल गया शहर कमाल। एक शहर में जाकर के ये भीख मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं, भीख दे दो ये झोली मेरी खाली है, भीख दो दो झोली मेरी खाली है, भीख दे दो बहुत उद्धनन को भूखो डोले, गली गली पर आज जू बोले, जे
अंधी संग में घर बाली है, भीख दे दो ये झोली मेरी खाली है, भीख दे दो। भीख मांग करके गांव के बाहर वृक्ष के नीचे भोजन बनाता है कि खुद खाता अपनी अंधी को खिलाता है। एक दिन एक शहर में पहुंचा तो वहां आटा पर एक साहूकार दादी खड़ी है, जे अंधी का हाथ अपने कंधा पर रखे हुए आगे बढ़ा और दरवाजे पर आवाज देता है, भिक्षा डाल दीजिए मैं भूखा हूं। बर शहजादी ने जब सुंदरता देखी तो सोचने लगे, अरे चंदा कैसी जाकी भैया तप रही हाई लिलारी रे, वो राजकुमारी सोच रही है कितना सुंदर नौजवान है। और चंदा कैसी तप रही भैया जाकी तो लिलारी रे, और बालापन में के तो मर गई जकी मेहतारी रे, और के तो बनी जकी भैया रामऊ ने बिगारी रे, और जाके संग में आखिन से अंधी नारी रे। वो लड़की साहूकार जादी नीचे उतर के आई और जयपाल के रूप को देख करके मोहित हो गई और कहने लगी, हे भिखारी ये कौन है? जवाब दिया, ये हमारी पत्नी है। साहूकार जादी कहने लगी, तू इतना सुंदर और तेरी ये अंधी पत्नी? हे राजकुमार से लगने वाला भिखारी, तेरी काली जुल्फ पे साल जिगर में साल भाव मेरे भाई, तेरे बिजली से चमकत दांत उरे मेरे तन में है अंगड़ाई। तेरी सुंदरता ने मुझे पागल कर दिया भिखारी, मो दुल्हन लिए बनाई के हाई लगाई लिए हितकारी, अब तो पे भाई कुर्बान रे महलन की राजकुमारी। बेड़े मैं तेरे ऊपर कुर्बान हो चुकी हूं भिखारी, तू जा अंधी का साथ छोड़ दे और मुझे अपनी भारिया स्वीकार कर। जयपाल कहने लगा, बहन तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो तुम कह रही हो। एकदम से जवाब दिया, तू हमें बहन कह रहा है? जवाब दिया, हां सिर्फ अंधी मेरी पत्नी है, बाकी सारी बहनें और माताएं हैं, बेटियां हैं। जवाब दिया, दिल उलझा सुलझे नहीं बुरा इश्क का फंदू, ओ सैया चल सेज पर मत बने हमारो बंदो, मेरा भाई न बने, मत बने हमारे बंदु, चंद्रमुख हाथ से गले लगा लो, ओ कहो न बहना मोए दुल्हन अपनी सरकार बना लो। जंग मचा लो यौवन से दिल जानी मजा उड़ा लो, हा खाऊ पड़ू पैया राजा अरमान मिटा लो। एकदम से जयपाल कहने लगा, वो पागल तू नहीं जानती है कि ये कौन है? तू जन्म के जति को सतावे मती, यहां रति के पति की हवाई नहीं, यद गरज है तेरी तो अरज है मेरी, इन मरीजों की हम पर दवाई नहीं, यद गरज है तेरी तो अरज है मेरी, इन मरीजों की
हम पर दवाई नहीं। पागल हो गई हो तुम, मेरी बहन हो तुम। मेरे दोस्तों, उसी समय आकाश से आवाज आई और उसी समय आकाश से कह हुई आई है नभवानी। और धन धन जय पाल रे कह तू सोहाई अब ज्ञानी। महाराज धर्म की लीला न्यारी है और आंखें होए ठीक नाई तेरी अंधी प्यारी है। स्वर्ग से आवाज आई, जयपाल तेरी धन चक्रव्रत पर हम प्रसन्न हैं। और देवब्रंद कहने लगे कि तेरी पत्नी की नेत्र अच्छे हो जाए। भक्तों, जो निगाह करी है आज बांदी की आंखें सही हो गई। और यह भी भविष्यवाणी हुई कि तू राजकुमार है तो ये अंधी भी राजकुमारी है। जब यह आकाशवाणी हुई वो साहूकार जाति का ज्ञान हवा हो गया और वो पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी मुझे माफ करना, हमसे गलती हो गई। मेरे दोस्तों, हुआ ऐसा कि अब ये वहां से भिक्षा लेकर के, उसने भिक्षा दे दी और भिक्षा लेकर के चले एक वृक्ष के नीचे आकर के भोजन बनाया और ये कहने लगा कि हे प्राण प्यारी, अब तो तुम्हारी आंखें सही हो गई। जवाब दिया, ये आपकी कृपा है। ये बताओ आप कहाँ की रहने वाली हो और कौन हो? तो जवाब दिया है कि मैं भी राजा की लड़की हूं। कह सुनो पिया हितकारी, और बालापन में मर गई रे मेरी हाय मेहतारी। महाराज के मैया छोड़ गई मेरो संग और मेरी दशा को देख के मेरे बबुला रह गए दंग। और हिलकी भरी तीर बिटिया की मरद और सुन ले वरद हमारी गई। अब हाथ जोड़ के बोलन लागी परम सनेही पिया हमारी। मेरे जवाब दिया है कि हे प्राणेश्वर, हमारे बाप ने जिस समय मुझे अंधा देखा है तो दुखी तो बहुत हुए, लेकिन इतना ध्यान रखना, एक दिन का जिक्र है कि जब मैं जवान हो गई तो मेरे बाप ने सोचा कि मैं इसकी शादी करूं, लेकिन कोई भी राजकुमार हमें अपनाने को तैयार नहीं हुआ। जब तैयार नहीं हुआ तो मैं दुखी थी और वो भी दुखी थे, तो वो मुझे गंगा नहाने के बहाने से ले आए और गंगा नहाने के बहाने से उन्होंने मुझे गंगा पर सोता हुआ छोड़ दिया। एकदम से जवाब दिया, ये तो बताओ तुम कहाँ की रहने वाली हो? तो उसने कहा कि मेरा तो नगर पास ही में है। कहाँ? तरुणाई सब चल बसी हुई न बाप संतान, मैं उस पर पैदा हुई बूढ़ेपन में आन। मैं बुढ़ापे में पैदा हुई थी। और ये भी बता दूं कि जब बुढ़ापे में हमने जन्म लिया है तो मां की मृत्यु होने के बाद हमारी हालत बड़ी बुरी हो गई। मैं चंद्रपुर की रहने वाली हूं और हमारे पिता चंद्रसेन भूपाल हैं। तो एकदम कहने लगा, अब तो आंखें आपकी सही हो गई और तुम्हें अगर गंगा पर सोता हुआ तुम्हारी बाप छोड़ गए तो चलो चंद्रपुर के लिए चलते हैं। दोनों जब चल दए मंगन मन भाए के मंजिल भारी, और चंद्रपुर में पहुंचे आए रे के दोनों पति और प्यारी। एक भाड़े पे कमरा लाओ दुख सब गाओ सुनोर सरदारी सुनोर सरदारी।
लेके में आए के मंगनौरे के हुई है राजकुमारी। आज उसने आकर के अपने मैके में अपने पति से कमरा लेवाया और कमरा लेवाने के बाद बड़ी प्रसन्न है और अपने पति से कहने लगी कि महाराज अब जाइए और जाकर के कोई नौकरी तलाश करिए। तो ये जयपाल चंद्र सेन के दरबार में पहुंचा जो लड़की का बाप है। हुआ क्या, दरबार में जब इस नौजवान को देखा बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे तुम कौन हो जवान? तो जवाब दिया मैं हूं दीन गरीब के फूटो नसीब, सुनो अब स्वामी मुझ कोई नौकरी दी जोरे मैं आपकी करे गुलामी। दुनिया में मैं यश तो सदार गाऊंगा, और भलाई ना मैं भूल सकूं तेरा रदम हुकुम बजाऊंगा। महाराज हमें अपने यहां नौकरी दे दीजिए। सुंदरता देखी है चंद्रसेन ने। चंद्रसेन तब कहने लगे मैं पहरेदार बनाऊंगा और पलंग रखाना, रात में तुम बस ये हुकुम सुनाऊंगा। मेरे तुम रात में हमारे पलंग का पहरा लगाओ, एक रुपया रोज पर तुम्हारी नौकरी तय हो गई, 30 रुपए में दोस्तों नौकरी तय हो। देखिए किस्मत का चमत्कार। ठीक है महाराज मैं शाम को आ जाऊंगा। ये चला गया और आज अपनी अंधी दुल्हन से बोला जो आंखों वाली हो चुकी है कि हे प्राण प्यारी तुम्हारे पिता चंद्रसेन ने मुझे अपने पलंग का पहरेदार चुन लिया है। तो बड़ी प्रसन्न हुई। दोस्तों आप रात के समय में जिस समय हाथ में तलवार लेकर ये पहरा दे रहा है और चंद्रसेन लेते हुए, तो चंद्रसेन ने इस नौजवान को देखा है। ये सुंदर सकलती बेटा की और चेहरा बड़ा छरीरा है और राजा ने इसमें जान लई किसी अज बस का हीरा है। राजा ने दिल में जान लई किसी अच्छे वंश का हीरा है। आज राजा ने समझ लिया कि अच्छे वंश का हीरा है, इतना सुंदर है। लेकिन उसे अपनी लड़की की याद आ गई कि मेरी अंधी बेटी अगर मैंने गंगा पर न छोड़ी होती तो इसी नौजवान के लिए कर देता। लेकिन दोस्तों दिमाग में रखना, वक्त का मारा हुआ कुछ कह नहीं सका, उसे अफसोस अपनी बेटी का बहुत हुआ, बहुत याद आई। जब ये आंखों में आंसू देखे हैं तो जयपाल पूछने लगा कि महाराज आप रोए क्यों? जवाब दिया हमारी एक बेटी थी जिसे मैंने गंगा पर छोड़ दिया, आज मुझे उस बेटी की याद आ गई। मेरी बेटी अंधी थी, कोई राजकुमार उसके साथ शादी करना नहीं चाहता था, सुंदर तो थी लेकिन आंखों से अंधी थी, तो मैं उसे गंगा पर छोड़ आया, अगर वो लड़की होती तो पांडगण संस्कार तुम्हारी शाद करवा देता। कहने लगे ठीक है, किस्मत तो किस्मत होती है। और सुबह भाओ जब घर को रे के राजकुमार तो आओ, अपनी प्यारी को पूरो बाने हाल वरे सुनाओ।
ददा नारे तो मंगन में मगन भाई मोए बाबूला से मिलवाए देव सैया है से बात कही बात कही बोले बालो माँ बोले साजना बहुत दिना मोको पीते हैं नए दर्शन बाबुल के हो भोले बालो माँ जयपाल ने आकर के कहा कि हे प्राण प्यारी आर तुम्हारे बाबुल को तुम्हारी बहुत याद आई। तो भक्तों वो लड़की कहने लगी कि बहुत दिन हो गए मैंने दर्शन नहीं किए हमें बाबुल के दर्शन करा दो। जयपाल कहने लगा अभी थोड़ा और रुक जाओ क्या कहो जाना जाना और जाना सुनो बाबुल से जाने की जल्दी मचाओ मती ठहरो ठहरो जरा ठहरो ठहरो जरा वहां जा करके दिल को दुखाओ मती ठहरो ठहरो जरा ठहरो ठहरो जरा घोरी जा करके दिल को दुखाओ मती प्यारी थोड़ा समय और ले लीजिए अब तो आ ही गए तो दर्शन तो हो ही जाएंगे। दोस्तों दिमाग में रखना वो रुक गई और इधर कंचनपुर का हाल तुम्हें बता दें। कंचनपुर में एक बहुत बड़ा गजब हुआ एक राजा ने चढ़ाई कर दी बन कर दई मारा मार हारे सत्यपाल सुनो चितलाई दो महीना तक तो भैया रे कंचनपुर में तो लड़ाई दो महीना तक संग्राम होता रहा और जितने सूर सरदार दए जब मार करी घटियाई और सत्यपाल तो भागे भैया प्राण अरे बचाई कंचनपुर पे किसी राजा ने चढ़ाई कर दी तो सत्यपाल प्राण बचा के भाग गए। दो महीना तक बराबर युद्ध होता रहा अंत में दोस्तों सत्यपाल प्राण बचा के भाग आए और जयपाल का जो जेठा भाई विजयपाल है वो पकड़ गया उसे जेल में डाल दिया। इधर सत्यपाल की हालत बड़ी नाजुक है उन्होंने सोचा अगर राजाओं के कपड़े पहन के डोलूंगा तो वो दुश्मन राजा हमें पकड़ लेगा। अरे जने सब पोषा कयू तारी जाने सब पोषा कयू तारी और अब राजा तो बनियो है भिखारी अरे कायम की किस्मत है न्यारी ललायु प्रदेश को सोच हुई भारी और आधार की राम ने बिगारी बिगारी गजब भव बिगारी मनोज तो मर की प्रभु ने समारी आज वो सत्यपाल देखिए किस्मत का मारा हुआ दर दर भीख मांगी रहो है धीरे धीरे दर दर भीख मांगी रहो है धीरे
पालू ये नौकरी करी रहो है धीरे धीरे। रात में जावे सुबह घर आवे अपनी प्यारी को मन कैसो हरी रहो है धीरे धीरे। ससुराल में नौकरी करी रहो है धीरे धीरे। जति पतली कमर लजपती बहिया ओ बाबा लजपती बहिया और अच्छो जवान समरी रहो है धीरे धीरे। अपने ससुर की नौकरी करी रहो है धीरे धीरे। ये वो बापू भिकारी बनियाओ भिकारी बनियाओ दादा मेरे बनियाओ। लिखी रे तरत दारी मर तो सुन ली जो अरज के हमारी। लिखी तो विधाता की कब हम नहीं मिटी है नारद विधना ने लिख दई जो लीला रे। इधर सत्यपाल भिकारी हो चुका है और दर दर भीख मांगता है और इधर जयपाल अपने ससुर के दरवाजे पर पलंग का पहरा देता है। एक दिन का जिक्र है दोस्तों, आधी रात का समय पहरा लगा रहा है जयपाल। एक आवाज रे कान में भैया आई आधी रात में औरत हाय के घर में कोई डकराई। महाराज अगर राजा उठ के खाड़ो है आधी रात को रोवे पेट में बढ़िया जाड़ो है। अरे के पहरेदार बुलाओ है अरे कौन रहो है रोई बचन बन बाए सुनाओ है। अरे खबर निक बाकी ले लेना और आधी रात के समय रोई रही भर भर के नैना। बचन जयपालन फरमायो आप लेटिए नाथ पता लेके अभी आयो। राजा चंद्रसेन कहने लगा हमारे राज में ये कौन रो रहा है। जयपाल कहने लगा महाराज आप आराम कीजिए हम पता लगा के आते हैं। जयपाल हाथ में नंगी तलवार लेकर उधर को बढ़ा जिधर घर में से रोने की आवाज आ रही थी। राजा पर नहीं रुका गया, राजा पीछे पीछे जयपाल के चला, छुप करके खड़ा हो गया और जयपाल एक औरत रोली उसके सामने पहुंचा और कहने लगा रे भाई आधी रात के समय पर रोने की आवाज तलवारों की धार से कम नहीं होती, तुम क्यों रो रही हो। कहने लगी यह पूछने से तुम्हें क्या लाभ होगा। जवाब दिया मैं राजा चंद्रसेन का पहरेदार उनके पलंग का पहरा देता हूं तो मन की बात बताओ। तो वो बुढ़िया कहने लगी सुनो पुत्र अगर तुम पहरेदार हो। अरे मोए देवी ने सपनो दाओ काले सचंद्र सेन को आयो रे। नगर में आई है रे और 10 बजे तो दिन में राजा अरे हाज राम मर जाए रे।
बानी 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 और डके हुई अरे पेट में भैया पानी दोस्तों जिस समय जयपाल ने उस बुढ़िया के मुंह से शब्द सुने जयपाल के पेट में पानी हो गया। जयपाल को बुढ़िया को नहीं मालूम है कि महाराज सारी वार्ता को सुन रहे हैं। आंखन में आंसू भर के बोला है जयपाल कि हे बूढ़ी माँ मुझे एक बात बता दे, जब राजा की मौत उस देवी ने बताई है तो बचाने का भी कोई तरीका बताया? बुढ़िया कहने लगी बेटा बचाने का भी तरीका बताया है लेकिन उसे कोई बचा नहीं पाएगा। पहरेदार जयपाल कहने लगा मैं राजा का पहरेदार हूं और मैंने महाराज का नमक खाया है, हम महाराज को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन ओरी माँ वो तरीका मुझे बता दे कि कौन तरीका से महाराज बच पाएंगे। तो बुढ़िया कहने लगी बहने न से नीर धरे ना धीर प्राणु घबराओ रोय रोय के तब बुढ़िया ने भैया बचनऊआ रे सुनाओ। कहने लगी बेटा पहरेदार और हो गए कलोता लाल के बाई को हलाल करे जो से आवे अपने बेटा को देवी की भेंट चढ़ावे। हे पहरेदार जिसके एक ही बेटा हो और वो उस बेटे को अपने हाथों से मार करके देवी का खप्पर भर दे तो ये बच जाएगा। अरे निज सूता हाथन से भैया मारे और बाय मार मंदिर में हाय हाय डारे अरे बोई रोजा भूप को उबारे रे उबारे रे हाय उबारे और खपारु देवी को भर के डारे बेड़े। हे पहरेदार जो अपने इकलौता बेटा को मार करके देवी के खप्पर को भर दे वो इस राजा को बचा सकता अन्यथा नहीं बचेगा। पहरेदार कहने लगा ओरी मैया अगर ये बात है तो मेरे तेरे हाथ जोड़ता हूं कि तू ये भेद किसी को मत देना, हमारे पहला ही बेटा है एक लौता बेटा है, हम अपने बेटे को मार के देवी के खप्पर को भर दूंगा और महाराज की रक्षा करूंगा। हे लकी बर के बुढ़िया बोली धन्य वीर बलधारी और राजा की खातिर अपने बेटा को देगो मारी। अरे तू तो मारे गो बेटे बाकी मरण दे मेहतारी। हे पहरेदार तुम तो मार सकते हो लेकिन बेटा की मां को पूछा तुम बेटा के बाप के बाकी मरण देव मेहतारी और क्यों व्यर्था बकवाद करे बच ना सके तपधारी। बेड़े जवाब दिया है तू तो मार सकता है लेकिन उसकी मां जिसने 9 महीने बच्चे को उदर में रखा वो भला अपने पुत्र को कैसे मरने के लिए कह देगी कि ये मार दो इसे। जयपाल कहने लगा मां इसे तो वक्त बताएगा लेकिन तुम ये रहस्य किसी को बताना नहीं। और पहरेदार जयपाल वहां से अपनी प्राण प्यारी के पास को चला जो बच्चा को सीना से लगाए सेजों पर सो रही है। राजा चंद्रसेन सोचने लगे कि ये तो बात बहुत बुरी अटकी लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि मेरा प्यारा पहरेदार कितना भारी वफादार है।
क्या वास्तव में अपने पुत्र को हमारे लिए मार देगा? ये सोच करके मेरे दोस्तों पीछे पीछे चला। जब जयपाल घुस गया अंदर, अरे सुका नींद में सोई रही जाकी प्यारी। नारद, अरे सुका नींद में सोई रही जाकी प्यारी, और छाती दे चिपटो है बुओ तारी। अरे तोलो आई आओ जाको बलम अरे हजारी, अरे जा सोई रही भैया जाकी प्यारी। आ गया जयपाल, बेटा सीना से लगाए वो गोरी सो रही थी। माथे पे धर दो हाथ रे चौंक गई जाकी रानी। माथे पे हाथ रखा अपनी प्राण प्यारी के, माथे पे धर दो हाथ रे चौंक गई जाकी रानी, और आंख खोल सदना की है सूरत बाने पहचानी। महाराज अग उठ के ठारी हुई आई है, और पिया की सूरत देख नारी अब व्याकुल हुई गई है। कहने लगी, मेरे बालो मां मेरे साजना, रात में कैसे तुम आई आए हो पलंग पे सोबे बबुलौ। अरे हमार मेरे बाल मा, अकेले सोए रहे बबुलू हमार भोले बाल मा, रात में कैसे बरियो बेड़े। क्या बात है नाथ, तुम तो मेरे बाप के पलंग के पहरेदार थे, लेकिन रात में कैसे आए? मेरे बाप अकेले सो रहे होंगे, शायद तुम्हें हमारी याद आई है। कहने लगा, प्यारी ये बात नहीं, बात कुछ और है। क्या बात है बोलो। जवाब दिया, जिस बाबुल को बाबुल कह रही वो परसों तक न जी पाएगा, पता चला है सूत्रों से वो प्रात हो तुम मर जाएगा। ससुराल में अपनी नहीं हुई, दोनों की किस्मत फूट गई। प्राण प्यारी मैंने जान लई अब नाउ हाथ से छूटी आई। मैं पहरेदार हूं बबुल तेरे का, लड़ रहे थे दुनिया के पूतों से, पर कल मुकाबला होना है यमराज के यमदूतों से। हे प्राण प्यारी, संसार के पूतों से तो मैं जूझ लेता, लेकिन यम के दूतों से कैसे जूझ पाऊंगा? एकदम से कहने लगी, प्राणेश्वर ये बताओ, ये कैसे पता लगा कि मेरे पिता सुबह मर जाएंगे? तो जवाब दिया, एक औरत को, अरे देवी ने दे दो सपना, अरे देवी ने दे दो सपना, अरे बचे नहीं जे राजा अपना, अरे गोरी नहीं बात है कल्पना,
जूता सो खोल ले नारी मेरी झपना। याद रखो तुम्हारे पिता की मौत हो जाएगी, एक औरत को सपना दिया है देवी ने। दोस्तों जो इतने वचन सुने एकदम से वो लड़की अपनी खोपड़ी को पटक करके जमीन पर बैठी, कहने लगी प्राणेश्वर अब तो मैं कहीं की नहीं रही, मैंने इसीलिए कहा था कि पिताजी से मुझे मिला दो, तुम नहीं माने। जवाब दिया हे प्राण प्यारी मैं क्या ये जानता था कि इतनी जन्नी मन्नत तो आ जाएगी इनकी। रो करके बोली बालापन में छोड़ के मेरी बलम मरी मेहतारी रे, और चंद्रसेन मेरे बाबुल ने बड़े लाल चावते पारी रे। और मैया की आत्म बिलख बिलख के अंधी हुई गई जब प्यारी रे, और गंगा नहाने के बहाने मोर बाबुल चले सिधारी रे। शादी करी कुमार ने तब बाबुल को हिरदो जोड़ो रे, और गंगा घाट पे मो सैया बाबुल ने सोबत छोड़ो रे। कहने लगी जो बाबुल मेरे मार जावेंगे तो प्राण न मेरे बची पावेंगे, अगर मेरे पिताजी मर गए तो पिया हमारे प्राण बच नहीं सकते हैं। एकदम से जवाब दिया तो प्राण प्यारी क्या किया जाए ये बताओ। जवाब दिया कोई तरीका है जो मेरे बाबुल बच जाएं। जवाब दिया हाँ लेकिन वो तुम कर सकती हो। तो जवाब दिया अगर मेरे मरने से मेरे बाबुल बच जाए तो मैं अपने प्राणों को दे दूंगी, तुम मेरे पूत को पाल लेना। जवाब दिया है गोरी बात कुछ और है, क्या करूं कुछ कहा जाता नहीं और बिना कहे गोरी हमसे रहा जाता नहीं। तो एकदम कहने लगी तुम खुल के बताओ पिया बात क्या है। तो सुनो जो है तेरो लाल देवी बन के काल नार मेरे आई, अपने बेटा को मंदिर में बल दीजे नार चढ़ाई। जब बेटा की बल बम मंदिर में देवी के सामने चढ़ा दे, रानी को खपर भरे न बबुला मरे। सुनो मेरी प्यारी सुनो मेरी प्यारी, और कहो रानी का मारोगे हाथन से हाय उतारी। इतनी सुनी थी पंचो सैयाओं की बानी रे, अरे हुई आओ जाके हाल तो पेट में भैया पानी रे। बिला बिलाई गई है जादव पंचो रानी रे, जैसे आज बिगल के मीनू बेने पानी रे। एकदम से धरती पे गिर पड़ी और कहने लगी पिया ये क्या कहा। जवाब दिया सोच लो तुम अपने बेटा की बल चढ़ा दो रानी का खप्पर, जो मंदिर की रानी देवी है उसका खप्पर भर दो तो तुम्हारा बाप बच जाएगा। कहने लगी महाराज अरे मेरे अकेली है डार रे निशानी, अरे मेरे अकेली डार निशानी,
और बेटा के मैंने को दिए पानी। बेटे जवाब दिया, मेरे एक ही बेटा है पिया। जयपाल कहने लगे, अब ये सोच लो रानी, एक तरफ पिता की जिंदगी, एक तरफ पुत्र की। कहने लगी, मेरे बेटा की जिक्र करो मत सैया, कर जोर विनती करूं रे पारू मैं तेरे पैया। तेरे पैया रे परू मैं तेरे पैया, कर जोरू विनती करूं रे परू मैं तेरे पैया। मेरा पिया मार मोन जहातन से देव, जैसे बने हाय तुम सैया बता लला को ले। जाकी सुंदर सूरत पिया लगे मोय प्राणन ते प्यारी, जाकी सुंदर सूरत बलमु लगे मोय प्राणन ते प्यारी। जवाब दिया, मेरे बेटे का जिक्र न करो, तुम हमें मार दो और खप्पर भर दो। मन सोचे पछताए करूं कैसी हाय, बन सुमित जाएगो जो मुख से नाई करे रे के बबुल भोर मर जाएगो। और जो बबुल मर जाए हमें सुहाई नहीं सुख पाएगी। देखिए उस बेटी का त्याग, और जो बाबुल मर जाए विपत्ति अब आए धर्म घट जाएगो। बबुला बच जावे लला और हो जाएगो। अरे और हो जाएगो, और हो जाएगो, पूत हो जाएगो, नात हो जाएगो। जो बबुला हाय मर जाए रे के ढूंढे कहूं न पाएगो। जवाब दिया है, बेटा और भी हो जाएंगे लेकिन माता पिता ये दोबारा नहीं मिलते, इसलिए चलो मंदिर के लिए। कैसा त्याग था, आज जयपाल ने अपने बेटे को गोद में ले लिया। अरे धीरे धीरे रानी चल भाई, दे दे भमर कलेने पे पामरे, दे दे चंप कलेने पे। धीरे 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 पैरे तार चलो जन बेटा ले लो भाई मेरे गोद जन बेटा ले लो। राजा पीछे ते जाई रहो मन में जग भारी, क्रोध है रे मन में तो जग भारी। राजा के हृदय में बड़ा क्रोध है कि देखिए हमारे पीछे कितना बड़ा त्याग कर रहे, मंदिर में पहुंचे आज। तिलक लगाने के बाद में पुत्र को मैया के पैरों के पास लेटा दिया। जयपालन पंथो नाई रे देर तो हाया जुकीनी, अपने बेटा की गर्दन में तलवार तो चटहन दीनी। महाराज पूत जन हाथन से मारो और लगी गर्दन तलवार, खून को छूटो फवारो। लेकिन बा
बा देवी को खपर पंचो खाली रह गए, आय बा देवी को खपर भैया खाली रह गए। धर के तलवार मारी, खून का खप्पर छूटा, लेकिन बच्चे में ज्यादा खून तो खाली। देवी का खप्पर खाली, आवाज आई मंदिर में से खप्पर खाली है। जयपाल कहने लगा, अरे खप्पर को अभी भरूंगा और मंदिर में अभी मैं मरूंगा। अरे बको नमक हलाल करूंगा और पीछे न कदम धरूंगा। जन गर्दन में तलवार यार जब मारी, जयपाल के कढ़िया प्राण मही पिलास डारी। महाराज हो सबा गोरी के उड़िया हैं, पति पुत्र मर गए, नैनव के नीचे को मुड़ी आए हैं। महाराज जिस समय जयपाल भी मर गए, पति और पुत्र की लाशें जब देखी हैं, कहने लगी खप्पर तो भर ही जाएगा और पिताजी भी बच जाएंगे, लेकिन अब मैं जिंदा रह के क्या करूंगी। जन पेट में धर के मारी यार कटारी, राजा के समय मरी आई प्राण की प्यारी। महाराज भूप के छक्का छूटे हैं, दमाद पुत्री देवते मर गए, प्रभु वो पर रूठे हैं। जिंदा रह के कहा करेंगे हमार, जब तीनों ने धर दए प्राण के जिंदा। राजा कहने लगे, दमान पुत्री और देवता जब यहां मर गए तो मुझे रहने की जरूरत नहीं है। और जो राजा ने तलवार निकाली के ओ देवी, अब जी भर के दूसरा खप्पर भर ले। तलवार उघारी राजा ने, गर्दन पे धरी जमाई है, ठहरो ठहरो नरपत ठहरो, आवाज तो भैया आई है। वो चतुर्भुजी अरे दुर्गा थी और सिंह की चढ़ी सवारी है, आई गई भवानी समय पर राजा ने निगाह पसारी है। बेरे? आज माँ दुर्गा ने आकर के कलाई पकड़ी का ठहर जाओ, जवाब दिया मैं रह के अब क्या करूंगा, जवाब दिया नहीं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। आत्मा से आवाज आई कि मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन वो देवी कहने लगी ऐसा नहीं होगा। जवाब दिया तो मेरा पुत्र कि क्षमा, जो दामाद था मेरी पुत्री और मेरा देवता ये सब मर गए, मुझे जीने की जरूरत क्या है। जवाब दिया नहीं। अरे खप्पर भी भर गया, काम तेरा तो मैं भर दूंगी और जो तीनों मर गए उन्हें जिंदा बिल्कुल कर दूंगी। ले अमृत और सरकों जोड़ के ऊपर छींटा मारो, तीनों जिंदा हुए स्वर्ग से बोल गओ जयकारो। उसी समय तीनों जिंदा हो गए, मां देवी ने कर दिए। मेरे दोस्तों, आज दामाद को लेकर, बेटी को लेकर, धीवते को लेकर महाराज आ गए अपने दरबार में और खुशी में कंगालों को धन माल और भोजन बांटने लगे। इधर सत्यपाल जो जयपाल का पिता था, भीख मांगते मांगते उसी गांव में आ गया
जहां भिखारी खड़े थे लाइन में खड़ा हो गया, लेकिन जो जयपाल ने अपने पिता को देखा पहचान लिया, जिनकी कोपिन के समान लंगोटी चढ़ी हुई है, चेहरा बिल्कुल बेसूरत है। जब ये सामने आए, जयपाल बोला, तुम कौन हो भिखारी? जवाब दिया, भीख दे दो मुझे, मेरा परिचय मत पूछिए नरेश। जवाब दिया, नहीं परिचय तो जरूर दो। जवाब दिया, मैं शतपाल राजा हूं कंचनपुर का। अरे आप ही हैं, आपने हमें नहीं पहचाना? नहीं, मैं वही पुत्र हूं तुम्हारा जयपाल, जिस अंधी लड़की से तुमने मेरी किस्मत का जोड़ा मिलाया था, याद है? दोस्त होश उड़ गए महाराज, एकदम से बेटा के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। जयपाल कहने लगा, पिताजी तुम भूल में हो, जो कालदेव का भटक है वो किसी का रक्षक क्या होगा। जो कालदेव का भटक है वो किसी का रक्षक क्या होगा। जो स्वयं अपनी ना रक्षा की वो दूसरे का रक्षक क्या होगा। ये हालत आपकी कैसी हो? शतपाल कहने लगा, पुत्र वास्तव में मेरे होश ठिकाने आ गए कि कोई किसी की किस्मत का मोहताज नहीं है, सब अपने अपने किस्मत को लेकर के आते, लेकिन पुत्र इस तरह से राजा ने चढ़ाई करके सारी सेना का कत्लेआम कर दिया और तुम्हारे ज्येष्ठ भाई विजयपाल को जेल में डाल दिया। जवाब दिया, भाभी कहाँ है? जवाब दिया, उसका सौभाग्य था वो अपने मैके में थी, मुझे मारने के लिए मैं अपने प्राण बचा के भागा, लेकिन राशि कपड़ों मुझे कहीं भी मार सकता था, तो मैं भिक्षा मांग कर पेट भरने लगा। उन्होंने कहा, चिंता मत करो। उसी समय अपने पिता को सुंदर वस्त्र पहनाए और सेना सजाई और जाकर के जिस राजा ने इनके राज पर कब्जा किया था उसके लिए खबर भिजवाई कि सेना को लेके आ जाए। अरे सेना पहुंच गई नंगर में, मर्दो सुन ले अर्ज हमारी। और उधर से सेना तीर राजा की, इधर से तो जयपाल कुमारी। और सेना भिड़ी तीर दंगल में, मारन लगे ते मार पे मार। और जितनी सेना तीर दुश्मन की, सब बेटा ने दई संहारी। मुड़ काट लो पर राजा को, और सब सेना दई संहारी। और कब्जा करके कंचनपुर से जेल को विजय दलियो निकाली। और विजय जेल से बाहर आई, ओ भाई भेंटो भुजा पसारी। आज सारी सेना का कत्लेआम कर दिया, अपने ज्येष्ठ भ्राता विजयपाल को जेल से निकाला और उसे कंचनपुर का राजा बना दिया और खुद चंद्रपुर की राजधानी रे मेरे भैया आई समारी। से थोड़े में कहता अरे कथा रे समारी। अब तो धन्य धन्य धर्म धर्म तेरी लीला न्यारी है। मैंने सत्य धर्म की कथा रे सुना दी तुमको गाके। नारार करो आराम रे, नर नार करो आराम रे, सब अब घर जाके। महाराज मेरो आधार चेतन है नाम, और छोड़ कुछ हमारा दो अगर हम जाके करो मुकाम। अरे हरी हर बोलो मेरे भाई, ओ कर्म लिखी ना मिटक
करो चाहे लाखों चतुराई, हरिहर बोलो मेरे भाई।